प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सज रही है। प्रधानमंत्री को यहां पर आदिवासी समाज की झलक भी दिखाई जाएगी। होशंगाबाद रोड स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से लेकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय की दीवारों पर गोंड पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश देती पेंटिंग भी नजर आएगी। तो बीयू की दीवारों पर दिखेगा गोंड आर्ट का कौशल। सज रहा है भोपाल, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां, स्वच्छता और जल संरक्षण तैयारियां यहां पे। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भोपाल तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री को दिखाई जाएगी आदिवासी पे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनन्या चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अनन्या, आपसे जानेंगे जिस तरीके से देखा जाए आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं, उन तैयारियों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की दीवारों पर गोंड पेंटिंग बनाई जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर कि इस वक्त हम वीर सावरकर सेतु पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है बीयू से लेकर जो है हबीबगंज तक हर जगह जो है गोंड पेंटिंगों से पूरा रास्ता सजाया गया है। ऐसे में जो कह सकते हैं कि रंग रोगन होता है दीवारों का और फुटपाथ का, वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि यहाँ पर पूरे ब्रिज को जो है गोंड पेंटिंग से जो है सजाया गया है। ऐसे में ये पेंटिंग्स जो है उन कलाकारों ने बनाई है जो कि आदिवासी कलाकार हैं, जो भोपाल में ही रहते हैं, और पूरे ब्रिज पर जो है यही पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, ताकि एक जैसा एक समान जो है सभी जगहों पर जो है कलाकृति बनाई गई है। ऐसे में गोंड पेंटिंग्स की जो है साफ बात है कि जो परंपरागत पेंटिंग्स है आदिवासियों की, वो यहाँ पर बताकर जो है जो थीम है इस पूरे कार्यक्रम की, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पे बताते हैं आपका कार्यक्रम मोदी का रहने वाला है कुछ इस प्रकार रहेगा कि पहले पीएम मोदी जो है वो जमुनी मैदान उतरेंगे, उसके बाद वहां से कार्यक्रम स्थल से कार्यक्रम खत्म करके जो है बीयू जाएंगे, बीयू के हेलीपैड पे उतरेंगे और वहां से बाय रोड इसी रास्ते से जो है हबीबगंज जाएंगे, जहां पर हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा रास्ता जो है सजा दिया गया है, पाम ट्रीज लगाई गई है बीच में, पूरे रास्ते की जो सफाई लगातार चल रही है, बीएमसी कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैलिंग से लेकर जो है जो रोड है और जो बीच में रास्ते में जो कह सकते हैं कि जो डिवीजन है उसको भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है फिर से कलर किया गया है, फिर से जो है उसका रंग रोगन किया गया है। और ऐसे में जो बीयू से लेकर रास्ता है वीर सावरकर तक का, वहां पर भी रोड के आसपास जो है जो साइकिल ट्रैक्स है उन्हें भी रंग रोगन किया गया है, उनमें भी जो है कलरिंग की गई है। इसके अलावा दीवारों पर वहां से लेकर यहाँ तक पूरे ट्राइब पेंटिंग जो है, ट्राइबल पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से जिक्र आपने यहाँ पे किया कि पेंटिंग्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपने तस्वीरें हमें दिखाई कि किस तरीके से तस्वीरों का यहाँ पे रंग रोगन किया गया है, तो वहीं अगर जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंच रहे हैं भोपाल विश्वविद्यालय से लेकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक, आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आएंगे उनका स्वागत करते हुए। बिल्कुल, बीयू से लेकर हबीबगंज तक जो है परंपरागत वेशभूषा में जो है आदिवासी उनका स्वागत करेंगे। और कह सकते हैं कि जो पारंपरिक नृत्य हैं जैसे गौंड समाज हो गया, गौंड यहाँ पर नृत्य हो गया, या फिर भारिया जो जाते हो गए, ये सभी जो है अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे और यहाँ से जो है हबीबगंज तक पूरा एक कह सकते हैं कि स्वागत कार्यक्रम उनका रहेगा। इसके लिए प्रैक्टिस जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी आज, यानी कि 3 दिन तक जो है लगातार प्रैक्टिस भी चलेगी, जहाँ पर प्रशासन भी अपनी जो ड्यूटीज है उनके लिए प्रैक्टिस करेगा, यानी कि ट्रैफिक किस तरीके संभालना है, किस तरीके से जो है और अगर ट्रैफिक को ही डाइवर्ट करना है तो किस तरीके से होगा। तो सभी तैयारियां आज से शुरू रहेंगी, यानी आज से लेकर 15 तारीख तक जो है लगातार ये टीम चलती रहेंगी और 15 नवंबर को यानी कि 15 तारीख को जो है पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए जो है रास्ते डाइवर्ट होंगे, यहाँ पर रास्ते ब्लॉक भी किए जाएंगे। साथ ही उन सभी को यानी कि ट्रैफिक में कोई अव्यवस्था ना है उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रैक्टिस अभी से ट्रैफिक पुलिस कर रही है, साथ ही प्रशासन भी इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आप अगर यहाँ का माहौल देखें तो बिल्कुल रोड साफ हो चुकी है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो हर कॉर्नर पर जो तैनात है, पुलिस लगातार हर जगह जो है पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं जो कि पूरे ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसे में तैयारियां भी लगातार जारी है कि अगर 15 को जब पीएम आते हैं तो उस वक्त जो 3 घंटे जब वो भोपाल में रहेंगे तो कहीं भी ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए जो है रास्ते डाइवर्ट भी किए जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए
तो वहां से लेकर यानी कि दीव से लेकर हबीबगंज तक जिस तरह से आदिवासी यहाँ पर अपने पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, उसके हिसाब से किस तरीके से जो है रास्ता रहेगा, साफ होना चाहिए रास्ता, साथ ही यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी तैयारियां लगातार यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिस तरीके से हमारी संवाददाता अनन्या चतुर्वेदी ने रास्ते का जायजा लेते हुए दिखाया कि किस तरीके से दीवारों पर गोंद पेंटिंग को उकेरा गया है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गोंद पेंटिंग आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाई गई है, साफ सज्जा यहाँ पे की गई है दीवारों की गोंद पेंटिंग से, आदिवासी कलाकारों द्वारा इसे सजाया गया है। तो वहीं अगर हम उस दिन की बात करें जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, तब उनकी उनके स्वागत के लिए आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे उनके स्वागत के लिए। बड़ी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।